पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को लेकर शनिवार को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर से नर्सिंग कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शलभ शर्मा व अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः अस्पताल में पहुंची। रैली में शामिल नर्सिंग छात्राओं ने बैनर, तख्तियों व अन्य माध्यमों से आमजन को अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को रविवार को नजदीकी पोलियो बूथ पर अनिवार्य रूप से पोलियो की दवा पिलाने का आग्रह किया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने कहा कि पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान 3 दिन तक चलाया जाएगा, जिसमें प्रथम दिन बूथ पर और दूसरे व तीसरे दिन घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिसमें 3,68,573 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पोलियो बूथ पर ले जाकर नजदीकी कार्यक्रम पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत इस रविवार को जन्म से 5 साल के सभी बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभियान हमारा 3 दिन चलेगा। अभियान के पहले दिन हमारे पोलियो बूथ पर वैक्सीन पिलाई जाएगी और दूसरे और तीसरे दिन हमारे स्वास्थ्य कर्मी घर घर भ्रमण करके दस्तक देकर वंचित बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे। अभियान के तहत यह वैक्सीन हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी पिलाई जाएगी। इसके लिए हमने स्वयंसेवी संगठनों से भी आग्रह किया है कि आप बढ़ चढ़कर इस अभियान की सहभागिता में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। और अभियान के तहत हमारे अधिक जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं, हमारे ईंट भट्टे, घुमंतु परिवार जहां रहते हैं, जहां बच्चे हमारे माइग्रेटेड रहते हैं, वहां भी हमने सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार की 606 साइट्स है, यहां हम वैक्सीन बच्चों को पिलाएंगे। और अभियान के तहत जिले भर के 3 लाख से अधिक बच्चों को हम पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे।